प्रियंका वाड्रा के सरकारी बंगले को खाली कर देने से कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। कांग्रेस को अब 4 दूसरे बंगले खाली करने होंगे जिनकी लीज सालों पहले खत्म हो चुकी है। इन 4 बंगलों में एक कांग्रेस का 24 अकबर रोड वाला मुख्यालय भी है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने इस संबंध में 2 साल पुराने प्रस्ताव पर विचार करना भी शुरू कर दिया है। अगर प्रस्ताव को आखिरी मंजूरी मिल गई तो कांग्रेस को 24 अकबर रोड, 26 अकबर रोड, 5 रायसीना रोड और चाणक्यपुरी स्थित एक बिल्डिंग खाली करनी पड़ सकती है। अकबर रोड में 1976 से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहीं 26 अकबर रोड कांग्रेस सेवा दल का दफ्तर है, जबकि 5 रायसीना रोड में इंडियन यूथ कांग्रेस का ऑफिस है। डायरेक्टरेट पहले ये प्रस्ताव 2018 में लेकर आया था। 24 अकबर रोड के लिए एक्सटेंशन खत्म होने के 5 महीने बाद इस प्रस्ताव को मार्च 2019 में कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन के सामने भेजा गया था। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस प्रस्ताव पर कदम बढ़ाने से हिचकी। अब डायरेक्टरेट नया प्रस्ताव लाया है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अब इस मुद्दे के समाधान का वक्त आ गया है। कांग्रेस को अपना पार्टी ऑफिस बनाने के लिए 2010 में इंस्टीट्यूशनल लैंड आवंटित किया गया था। नियम स्पष्ट कहते हैं कि किसी पार्टी को ऑफिस बनाने के लिए 3 साल का वक्त दिया जाना चाहिए। उन्हें इन भवनों को 7 साल पहले खाली कर देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को अपना पार्टी दफ्तर बनाने के लिए जून 2010 में राउज एवेन्यू में जमीन आवंटित की गई थी। सरकारी नीति के मुताबिक कांग्रेस को ये बंगले तुरंत खाली कर देने चाहिए क्योंकि इनकी लीज जून 2013 में ही खत्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।